सांसद ई अहमद के निधन के बाद बजट को ना टाले जाने को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ई अहमद के निधन के बाद इस बात की अटकलों ने जोर पकड़ा था कि बजट टाला जा सकता है। हालांकि बाद में वित्त मंत्री अरुण जेटली और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने साफ कर दिया कि बजट अपने तय वक्त पर ही पेश होगा। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मौजूदा सांसद के निधन पर सदन को स्थगित करने की परंपरा रही है, लेकिन यह सरकार परंपराओं का निर्वहन नहीं करती। जबकि कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह 31 मार्च नहीं है, बजट पेश करने के लिए काफी समय है, सरकार इसे टाल सकती है। मुझे लगता है कि अहमद का निधन काफी पहले हो गया था, पर इसकी जानकारी देर से दी गई। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने कहा कि बजट टालना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, राष्ट्रपति के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ ही RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी बजट को आज के लिए टालने की बात कही थी। जबकि स्पीकर सुमित्रा महाजन का कहना है कि बजट पेश करना संवैधानिक बाध्यता है। वैसे किसी सांसद या पूर्व सांसद की मौत पर बजट पेश किए जाने का यह पहला वाकया नहीं है। साल 1954 और 1974 में भी सांसद की मृत्यु होने के बावजूद बजट को सदन में पेश किया गया था।